हेलो एवरीवन, आज 6 मई 2022 और शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मेरा नाम है निरंकार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया ने साइन करा है एक पैक्ट किसके ऊपर? ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के ऊपर, और एग्री हुआ है कि वर्क करने के लिए ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स विच कंट्री के साथ, कौन सी कंट्री के साथ? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जर्मनी के साथ हम लोगों ने कराया। देख सकते हैं इंडिया एंड जर्मनी ने रिसेंटली इंक करा है एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट कहां पर इनॉग्रेट करा गया है? इसका राइट आंसर है बिहार। याद रखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट करा है भारत का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट इन पूर्णिया, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने रिलीज करा है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट? ये रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ये किस संस्था ने रिलीज करी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है। आप देख सकते हैं State of the World's Forest Report is a flagship publication of Food and Agriculture Organization. As per the 2022 edition report released during the World Forestry Congress, the world lost 420 million hectares, approximately 10.34% of the total forest area in the last 30 years. तो 30 सालों में हम लोगों ने इतना forest गवा दिया है। अगला क्वेश्चन है, जीवाला एक स्पेशल लोन स्कीम है, आपको बताना है ये स्पेशल लोन स्कीम कौन से राज्य ने लॉन्च करी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ने लॉन्च करी है। देख सकते हैं द महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन ने लॉन्च करी है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ क्रेडिट स्कीम फॉर प्रिजनर्स इन जेल्स अक्रॉस द स्टेट। तो जो भी जेल में प्रिजनर्स हैं उनके लिए एक तरीके की लोन की स्कीम है ये। ठीक है, द लोन स्कीम टाइटल जीवाला is offered by Maharashtra State Cooperative Bank for inmates who are undergoing prison sentence of more than 3 years. ठीक है, the pilot was instituted at Yarrawadda Central Jail in Pune and will be extended to nearly 60 prisoners. अगला क्वेश्चन है, कौन से दिन को सेलिब्रेट करा जाता है वर्ल्ड पोर्तुगीज लैंग्वेज डे के तौर पर? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 5 मई को मनाया जाता है। याद रखिए द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्रीज ओरिजिनली बिगेन ऑब्जर्विंग अ डे ऑफ पोर्तुगीज लैंग्वेज एंड कल्चर ऑन 5 मई। अगला क्वेश्चन है, कौन से फुटबॉल क्लब ने जीता है 35वां स्पेनिश लीग टाइटल मई 2022 में? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रियल मैड्रिड ने जीता है। आप देख सकते हैं रियल मैड्रिड ने जीता है, क्लिंच्ड अ रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 35th स्पेनिश लीग टाइटल आफ्टर डिफीटिंग एस्पान्योल 4-0 से इन मई 2022। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टार्टअप कंपनी बन गई है 100th यूनिकॉर्न स्टार्टअप इंडिया का? ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कंपनी है जो भारत की 100वीं यूनिकॉर्न बन चुकी है। यूनिकॉर्न किसे कहते हैं दोस्तों? यूनिकॉर्न उस कंपनी को कहते हैं, उस स्टार्टअप को कहते हैं जिसकी वैल्यूएशन जो है 1 बिलियन से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, 1 बिलियन से ज्यादा हो जाती है। इसका राइट आंसर है ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये भारत की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है दोस्तों। ठीक है, इस देख सकते हैं ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रेज्ड फ्रेश कैपिटल टू पुश अप इट्स वैल्यू टू ओवर अ बिलियन डॉलर। तो जिसकी वैल्यू 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाती है उसी को कहते हैं यूनिकॉर्न। 5-year-old Bengaluru based Neo Bank raised 50 million in series in a series D funding round. अगला क्वेश्चन है, who among the followings has been appointed as new public policy head of Google? तो Google के public policy head के लिए किसे नियुक्त करा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अर्चना गुलाटी को अपॉइंट करा गया है। आप देख सकते हैं अल्फाबेट इंक्स Google has appointed अर्चना गुलाटी एज न्यू पब्लिक पॉलिसी हेड इन इंडिया। गूगल की बात करें तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचई हैं। स्थापना इसकी 4 सितंबर 1998 में की गई थी। हेडक्वार्टर आपको इसके कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेंगे
और फाउंडर कौन है गूगल के? गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मियां का बाड़ा स्टेशन जो है इसका नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट रख दिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान में ही आपको मिलेगा रेलवे स्टेशन और इसी का नाम बदल के रख दिया गया है। पहले याद रखिए, पहले नाम था इसका मियां का बाड़ा और इसका अब नाम रख दिया गया है महेश नगर हॉल्ट। ठीक है, वॉज हेल्ड इन द बलोत्रा एरिया ऑफ बरमार डिस्ट्रिक्ट, और ये बरमार डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा राजस्थान के। राजस्थान की बात करी जाए तो आपको पता है ये नॉर्थ इंडिया का स्टेट है और ये कवर करता है 342,239 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। ठीक है, अगर टोटल इंडिया के हिसाब से बात करी जाए तो इंडिया का 10.4% है। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए भारत का लार्जेस्ट स्टेट है। ठीक है, और इसके अलावा सेवंथ लार्जेस्ट स्टेट है बाय पॉपुलेशन। ठीक है, राजस्थान के गवर्नर कालराज मिश्रा हैं, कैपिटल जयपुर है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है। आप राजस्थान की लोकेशन देख लीजिए, यह जयपुर, इसकी राजधानी, हरियाणा से बॉर्डर टच करता है, पंजाब से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग्स फ्रॉम इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट ऑन 4 मई 2022। तो इंडिया की तरफ से सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट में किसने भाग लिया था 4 मई को? तो आपको पता है 4 मई को हमारे प्रधानमंत्री गए थे यहाँ पे, तो इन्होंने ही पार्टिसिपेट करा। बिल्कुल दोस्तों, नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट ऑन 4 मई 2022, और ये मिले थे पीएम मैट फ्रेडरिक्सन ऑफ डेनमार्क, ये डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं, और पीएम कैटरीन जकोब स्टोर्ट ऑफ आइसलैंड, और पीएम जोनास गार, ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री है, और पीएम मैग्डालेन एंडरसन ये स्वीडन की, और इसके अलावा फिनलैंड की भी प्रधानमंत्री हैं सना मैरिन, और सना मैरिन जो है यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं पूरी दुनिया की, है ना, पूरी दुनिया में किसी भी देश की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज ग्रांटेड राइट्स टू द डैश टू ऑपरेट द हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो किसको राइट दे दिया है? इसका राइट आंसर जीएमआर ग्रुप। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज ग्रांटेड राइट टू द जीएमआर ग्रुप टू ऑपरेट द हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर 30 more years। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड एडिशनल 55 lakh tons ऑफ राइस इन प्लेस ऑफ वीट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। आप देख सकते हैं सेंटर ने एलोकेट करा है 55 lakh tons ऑफ राइस इन प्लेस ऑफ वीट, वीट की जगह राइस, अंडर द फ्री राशन स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अगला क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कमिटी फॉर रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द डिफॉल्टर्स? इसका राइट आंसर है जस्टिस प्रदीप नंद राजोग, इनको अपॉइंट करा गया। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कराया द फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कमिटी फॉर रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द डिफॉल्टर्स अगेंस्ट हुम नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड है सिक्योर्ड मनी डिक्रीज। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है 26 जनवरी 1950 नई दिल्ली में स्थापित करा गया था, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। कंपोजिशन की बात करी जाए तो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम होता है दोस्तों, आपको पता है, और अभी बात करी जाए और कॉलेजियम ही डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस अपॉइंट करेंगे जाएंगे कितने नहीं। अगर अभी बात करी जाए तो टोटल 36 जजेस मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से 35 जज हैं और एक क्या है चीफ जस्टिस होते हैं। ठीक है, एक चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस हमारे एनवी रमना हैं। ठीक है, जज की जो टर्म होती है आपको पता है 65 इयर्स में होती है, और वहीं हाई कोर्ट की बात करी जाए तो 62 इयर्स तक होते हैं, 62 ईयर में रिटायर होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 65 इयर्स में रिटायर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री की क्रिकेट टीम जो है बन गई है वर्ल्ड की नंबर वन रैंक्ड T20 टीम? तो ऑब्वियसली भारत ही इसमें मजे कर रहा है, तो भारत है इज द राइट आंसर। इंडिया अंडर न्यू कैप्टन रोहित शर्मा फिनिश्ड द 2021-22 सीजन एज द वर्ल्ड्स नंबर वन रैंक्ड T20 टीम इन द एनुअल टेस्ट रैंकिंग रिलीज्ड बाय ICC ऑन 4 मई 2022। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।